नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए बार विच इज 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड बी बार विच इज -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप इज। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ, पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ मतलब पहले इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है। एंड हाउ डू यू फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, कैसे फाइंड करते हो? डायरेक्टली ऐड करते हो। तो ए बार क्या दिया है आपको, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और बी बार आपको क्या दिया है, बी बार आपको दिया है आई कैप विद अ नेगेटिव साइन माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। इन दोनों के रिजल्टेंट को मैं नाम देता हूँ आर बार। तो रिजल्टेंट इज ए बार प्लस बी बार, दोनों को ऐड करो, 4i कैप माइनस आई कैप इज 3i कैप, 3 और 3 6j कैप, 6 माइनस 8 इज माइनस 2k कैप, ये आ गया आर बार। आपको पूछा है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मतलब बेसिकली कुछ नहीं है आपको फाइंड करने के लिए बोला है, यूनिट वेक्टर आर कैप, डन। तो आपको इन शॉर्ट ऐसा बोलना चाहिए था, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। उन्होंने बोला क्या है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ, पैरेलल या फिर यूनिट वेक्टर अलोंग इज सेम थिंग। तो आपको इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन के बाद जो वेक्टर मिलेगा उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। हाउ डू यू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, कैसे फाइंड करते हो? आर बार अपॉन आर। तो आर बार तो पता है, व्हाट इज आर बार, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। व्हाट इज आर, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। देन व्हाट इज आर एक्स, 3 square, व्हाट इज आर वाई, 6 square, व्हाट इज आर जेड, माइनस टू का स्क्वायर, राइट। देन 3 square 9 6 square, what is 6, right, and 4, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस कितना, 49 का रूट कितना होता है, 7। तो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप बाय 7। अब 1/7 ऐसा कुछ होना चाहिए, है 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप 6j कैप माइनस 2k कैप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल बट इंटरेस्टिंग। अब मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में बहुत यूज होता है वेक्टर्स का, तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच विल टेल यू कि वेक्टर्स का यूज कहाँ पे है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर का एक एक्सप्रेशन दिया है। आपको पता है व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड्स एट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे हमको पोजीशन वेक्टर आर बार दिया है, 3t² i कैप 3t² i कैप प्लस 4t² j कैप प्लस 7k कैप। तो सबसे पहले व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज, ये पोजीशन वेक्टर इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम के साथ ये चेंज होगा ना। इफ आई पुट टी वैल्यू 0 तो कुछ और मिलेगा, अगर मैंने टी की वैल्यू 0 डाले तो क्या मिलेगा, 7k कैप। मतलब क्या, इमेजिनेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब सपोज मेरे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है,
मैं थ्री डायमेंशनल स्पेस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप तीनों ही दिख रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स, एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप। हमारे पास एक पार्टिकल है, सम पार्टिकल सम बॉडी राइट, अगर मैं टी की वैल्यू जीरो डालता हूँ तो क्या आएगा, सेवन के कैप, मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में टी इक्वल टू जीरो, मतलब स्टार्टिंग इनिशियल जब हमने मेजरमेंट जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब, तो जब टी की वैल्यू जीरो थी तो पार्टिकल कहाँ था, सेवन के कैप, मतलब कहाँ था, जेड एक्सिस पे था। अब इफ आई पुट टी वैल्यू वन तो थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सेवन के कैप, मतलब नाउ इट इज मूविंग इन थ्री डी स्पेस। जब मैं टी की वैल्यू टू डालूंगा तो थ्री इंटू टू स्क्वायर इज फोर, थ्री इंटू फोर इज ट्वेल्व, ट्वेल्व आई कैप, सिक्सटीन जे कैप एंड सेवन के कैप। तो विथ टाइम इट इज मूविंग इन थ्री डी स्पेस राइट, तो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम आपको इसका पोजिशन वेक्टर मिल सकता है राइट। तो मे बी इफ आई वॉन्ट टू नो वॉट इज द पोजिशन आफ्टर 10 सेकेंड, वी कैन फाइंड आउट, जस्ट पुट वैल्यू ऑफ टी एज 10, बराबर। तो अब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसा है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय दिस वेक्टर आर बार, द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड एज, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी अभी बता दिया, मैं वापस बता रहा हूँ, इनिशियली ये वेक्टर कहाँ था, इनिशियली पोजिशन क्या था ऑब्जेक्ट का, सेवन के कैप, तो ये आ गया उसका इनिशियल पोजिशन। तो इनिशियल पोजिशन वेक्टर हम फाइंड कर ही सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, जस्ट पुट वैल्यू ऑफ टी एस जीरो, तो ये आपको मिल जाएगा इनिशियल पोजिशन वेक्टर आर आई कैप राइट। आफ्टर 10 सेकेंड्स मे बी 10 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हो सकता है यहाँ पे है, तो ये आ गया उसका फाइनल पोजिशन वेक्टर आर फाइनल कैप, आर फाइनल बार, ये भी आ जाएगा आर इनिशियल बार, मतलब इनिशियल पोजिशन वेक्टर और ये आ जाएगा फाइनल पोजिशन वेक्टर। डू यू रिमेम्बर मैंने जब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था अभी अभी 2 दिन पहले बताया था, तो अगर आपको याद होगा एक ऑब्जेक्ट अगर पी से क्यू जाता है, If one object is going from P to Q, from P to Q, मान लो ये point P है, मान लो ये point Q है, do you remember displacement? क्या था displacement? Final position vector minus initial position vector, मतलब Q point का position vector small q और P point का vector P बार। मैंने बताया था ये 3-4 बार बताया था, अगर एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है तो फिर बी बार माइनस ए बार, अगर एक वेक्टर एक्स से वाई जा रहा है तो वाई बार माइनस एक्स बार, अगर एक पार्टिकल डी से ई जा रहा है तो ई बार माइनस डी बार, तो फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या होता है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, मैं इसको डिनोट करता हूँ डेल्टा आर बार से, तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा आर, तो ये क्या आएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यहां तक क्लियर। अभी भी जिनकी लिंक नहीं लग रही है थोड़ा लिंक लगाओ, क्योंकि ये हमने डिराइव किया था जब मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको बताया था, तो ऐसा लिया था मैंने दैट वी हैव एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, फिर ये उसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं बोलता हूँ क्यू बार, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा था, क्यू, ये पॉइंट था पी, तो इसके वेक्टर को कहा था मैंने स्मॉल पी बार, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया, ऑब्जेक्ट गया पी से क्यू,
फिर मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो, क्योंकि ये कैसा दिखता है, ये ट्राइंगल जैसा दिखता है। तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई करोगे तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से पहला वेक्टर पी पे खत्म हुआ, वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो ओपी बार प्लस पी क्यू बार इक्वल टू ओ क्यू बार, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एट हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो यहाँ से पी क्यू बार हमको मिला ओ क्यू बार माइनस ओ पी बार, लेकिन ओ क्यू बार का स्मॉल क्यू बार और ओ पी बार का स्मॉल पी बार, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पी टू क्यू इज क्यू बार माइनस पी बार। तो हर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। यू आर सपोज टू कीप रिवाइजिंग, देन अगर इतना पता था तो यहाँ पे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, बट पोजीशन वेक्टर फाइनल, फाइनल कितना टाइम बोला है? 10 सेकेंड। तो जब मुझे फाइनल पोजीशन निकालना है, वेक्टर निकालना है, तो 3 × t के यहाँ पे क्या डालूंगा मैं? 10। तो 3 × 10² आई कैप प्लस 4 × 10² जे कैप प्लस 7 k कैप। और मुझे अगर इनिशियल निकालना है तो इनिशियल के लिए टाइम की वैल्यू डालते हो 0। क्यों 0? क्योंकि हमने तब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए। तो जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उसको बोलते हो टाइम टी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से वहां जाना है, डिस्टेंस होगा सम किलोमीटर, कितना टाइम लगा, तो क्या करते हो? स्टॉप क्लॉक को चालू करते हो, वहां तक जाते हो, फिर बोलते हो हाँ 2 आवर लग गए। तो जब स्टार्ट किया तो टाइम कितना था? 0 था, राइट? देन टाइम 0 था, तो हमारे पास सबसे पहले ये जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो कितना आया? कितना आया बताओ? कितना आया? 3 × 100 कितना होता है? 300। 4 × 100 कितना होता है? तो 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप प्लस 7 k कैप। और इनिशियल पोजीशन वेक्टर सिर्फ आएगा 7 k कैप। तो फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर आपको मिलेगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर था 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप प्लस 7 k कैप, और इनिशियल था सिर्फ 7 k कैप, कैंसिल हो गया। तो आपको मिल गया डेल्टा आर इक्वल टू 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। हमको क्या पूछा है? डिस्टेंस। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देयरफॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। अब इसमें तो जेड कंपोनेंट है नहीं, कौन सा कंपोनेंट है? एक्स एंड वाई। एक्स कंपोनेंट कितना? 300। वाई कंपोनेंट कितना? 400। अब ये तो पता ही है 300 मतलब 3 × 100, 100 मतलब 10 पावर 2, 400 मतलब 4 × 100 मतलब 10 पावर 2। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 इंटू 10 रेस टू 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16 इंटू 10 रेस टू 4, करेक्ट? तो यहाँ से 10 रेस टू 4 निकाल लो कॉमन, या तो फिर 9 प्लस 16 कितना? 25 इंटू 10 रेस टू 4। 25 का रूट कितना? 5। 10 रेस टू 4 का रूट कितना? 10 रेस टू 2। तो आंसर कितना आएगा? 500। वैसे क्वेश्चन यही खत्म हो गया था। जब भी आपको एक नंबर 3 दिखे, दूसरा नंबर 4 दिखे, तो आंसर हमेशा होता है 5, राइट? तो पहला डिजिट कौन सा आना चाहिए था? 5। यहाँ पे 300 था और क्या था? 400। तो एज सून एज यू सॉ कि यहाँ पे 300 और 400 आ रहा है, तो आंसर आपका आना चाहिए था 500, है क्या? ऑप्शन नंबर ए था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप एंड बी बार इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप विल बी। इफ यू रिमेम्बर, जब भी एंगल फाइंड करना हो तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो? डॉट प्रोडक्ट। तो यू नो दैट ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। बट इफ यू रिमेम्बर, ए बार डॉट बी बार ये था ए एक्स बी एक्स प्लस प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो आपके पास जो दो वेक्टर है उस वेक्टर में ए एक्स कितना है? थ्री। बी एक्स कितना है? थ्री। तो ए एक्स इज थ्री, बी एक्स इज थ्री, ए वाई कितना है? फोर। बी वाई कितना है? फोर। ए जेड कितना है? फाइव। और बी जेड कितना है? माइनस फाइव। थ्री इंटू थ्री प्लस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फाइव जीरो। अगर ए बार डॉट बी बार ही जीरो है तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो। तो एंगल इज जीरो, तो एंगल जीरो, एंगल जीरो ना, यस बोल रहे हो। कॉस थीटा जीरो मतलब एंगल कितना? 90 डिग्री। मैंने पहले भी बताया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो। तो जैसे यहाँ देखा कि ए बार डॉट बी बार जीरो आ गया, मतलब ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, तो व्हाट इज एंगल? ऑप्शन नंबर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर टू फोर्स वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर्स है विच आर रिप्रेजेंटिंग फोर्स, वन ऑफ 5 न्यूटन अदर ऑफ 12 न्यूटन। एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स शुड बी एडेड टू गेट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 17 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 13 न्यूटन। अगर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? लुक, तीन केसेस है। केस वन, केस वन में रिजल्टेंट वेक्टर जो है मैं उसको आर वन बोल देता हूँ, कितना है ये? 17। केस टू, इसमें मैं रिजल्टेंट कितना है? 7, इसको बोल देता हूँ मैं आर टू। केस थ्री, रिजल्टेंट कितना है? 13 न्यूटन, इसको मैं बोल देता हूँ आर थ्री। तो आर वन, आर टू एंड आर थ्री, आर थ्री कितना है? 13 न्यूटन। ओके, हमारे पास जो दो वेक्टर्स थे उन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या था? क्या था मैग्नीट्यूड? क्या था मैग्नीट्यूड? 5 एंड 12। तो हमारे पास जो दो वेक्टर थे, एक को बोल देता हूँ एफ वन, ये था 5 न्यूटन। दूसरे को बोल देता हूँ एफ टू, ये था 12 न्यूटन। राइट, तो लॉजिकली आपको पता ही है। क्या पता है? जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, इसका क्या होता है? एडिशन। तो रिजल्टेंट आर वन क्या आएगा? एफ वन प्लस एफ टू, एफ वन फाइव, एफ टू ट्वेल्व। तो आंसर कितना है? तो एंगल कितना है? कितना है? जीरो। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, केस वन डन। अब आ जाओ केस नंबर टू पे। केस नंबर टू, एज यू कैन सी, सॉरी फॉर दिस, केस नंबर टू, केस नंबर टू में आंसर कितना है? कितना है? 7। राइट, तो केस टू मतलब 7 होने के लिए इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। तब जाके मैग्नीट्यूड क्या होगा? सब्ट्रैक्शन।
रिजल्टेंट वेक्टर आर टू ये क्या आएगा, एफ टू माइनस एफ वन, तो 12 माइनस 5 कितना है? तो व्हाट इज एंगल 180, व्हाट इज एंगल 0, तो पहला 0 दूसरा 180, पहला 0 दूसरा 180, राइट। तीसरा के चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन कर लो, जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन यू शुड चेक। अब जिनको अच्छे से पाइथागोरस थ्योरम पता है, अच्छे से पता है, तो क्या होगा, एक वेक्टर एफ वन दूसरा वेक्टर एफ टू। ओके, एफ वन वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 5, एफ टू कितना था, 12, तो हाइपोटेन्यूस आएगा रिजल्टेंट, तो ये था 5, ये था 12। हाइपोटेन्यूस होता है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का कितना होता है, 25 प्लस 144 कितना होता है, 169 का रूट कितना होता है, तो आंसर कितना है, तो एंगल कितना है, तो 0 180 एंड, तो एंगल थीटा, हियर एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा आएगा 0, यहाँ एंगल थीटा आएगा 180, यहाँ एंगल थीटा आएगा 90। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व ऑप्शन नंबर ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार प्लस बी बार विल बी। सिंपल है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोला है, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, दोनों का एडिशन, राइट, है ना? नहीं, तो पहले रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसका है, रिजल्टेंट का। ए बार दिया है, बी बार दिया है, आपको पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार प्लस बी बार, तो ए बार प्लस बी बार मतलब रिजल्टेंट, तो पहले ऐड तो करो 4i कैप एंड 6j कैप, हाउ मच, 10, -3 एंड +8 +5, तो दोनों को ऐड कर लिया, ये हो गया एक्स कंपोनेंट 10 और यहाँ आ गया ये वाई कंपोनेंट 5। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, डायरेक्शन के लिए क्या करते हो, tan थीटा इज ऑलवेज वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, 5 बाय मतलब 1 बाय, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1 बाय 2, तो डायरेक्शन के लिए हमेशा tan थीटा इज y component upon x component, y component of a bar plus b bar is 5 and x component is 10, तो 5 by 10 मतलब 1 by 2, तो theta is 10 inverse of 1 by 2, तो theta is 10 inverse of 1 by 2 है क्या, ऑप्शन नंबर बी, राइट। हो गया क्वेश्चन खत्म, लेकिन मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ही लो, हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, सिंपल, rx square plus ry square, वॉट इज आर एक्स, 10, 10 का स्क्वायर कितना, वॉट इज आर वाई, तो कितना आया 125, मतलब 25 इंटू 5, 25 का रूट कितना, तो 5 रूट 5, तो 5 रूट 5 एंड 10 इनवर्स ऑफ 1 बाई 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ मतलब टूवर्ड्स नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड, टर्न्स वेस्ट एंड ट्रैवल्स एट द सेम स्पीड, मतलब स्पीड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, द चेंज इन वेलोसिटी विल बी, तो व्हाट इज द चेंज, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, याद रखना, जहां भी वर्ड सुनो चेंज, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब पहले तो समझ लो कि क्वेश्चन क्या है, तो पहले डायरेक्शन पता होने चाहिए,
अगर आपको याद होगा मैंने आपको डायरेक्शंस बताए थे, मैंने आपको ये बताया था कि ईस्ट होता है आई कैप, याद है, वेस्ट होता है जे कैप, जे कैप ना, ओ वेरी गुड, याद है, माइनस आई कैप, नॉर्थ होता है जे कैप और साउथ होता है माइनस जे कैप, वेरी गुड। और मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, लेकिन आपको दिखाना है इसलिए मैंने कहा ड्रॉ किया वर्टिकल प्लेन पे। अब क्वेश्चन में ये बोला है, अ ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ मतलब कौन सा डायरेक्शन, जे कैप, तो वो ऐसा जा रहा था, तो ये हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना 20, कौन सा डायरेक्शन, जे कैप, तो 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। टर्न्स वेस्ट, वेस्ट मतलब माइनस आई कैप एंड ट्रेवल्स विथ सेम स्पीड, मतलब टर्न ले लिया तो फाइनल वेलोसिटी वी फाइनल दिस विल बी 20, 20 माइनस आई कैप, तो 20 माइनस आई कैप मतलब -20 आई कैप, तो -20 आई कैप। अगर बोला होता टर्न्स ईस्ट तो क्या लिखते, 20 आई कैप, वेरी गुड, राइट। तो आपको मिल गया दोनों वेक्टर इनिशियल एंड फाइनल। फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी हो चेंज के लिए क्या यूज करते हो, डेल्टा, किसमें चेंज पूछा है, वेलोसिटी में, तो क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा वी, लेकिन उसके ऊपर क्या आएगा, बार, ये आता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू कितनी है, -20 आई कैप, इनिशियल कितना है, 20 जे कैप, तो -20 आई कैप माइनस एंड 20, गलती से इसको माइनस माइनस प्लस मत कर देना, फाइनल कितना था माइनस, ये है फाइनल, उसके बाद क्या है माइनस, उसके बाद क्या है इनिशियल, राइट। तो ये कितना आया -20 आई कैप -20 जे कैप। आपको अगर आप चेक करोगे तो आपको आंसर में द चेंज इन वेलोसिटी बोला है, लेकिन लिखा क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है ना, और डायरेक्शन अलग से लिखा है, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट। तो पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड करो, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट, कितना है एक्स कंपोनेंट -20, प्लस वाई कंपोनेंट -20 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 400 और 400, 800, राइट, या फिर 2 × 400 भी लिख सकते हो, बराबर है ना, या इफ यू वांट इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये क्या था 400, ये क्या था 400, तो कितना है 800, मतलब 8 × 100, 8 मतलब क्या 2 × 4, 8 मतलब क्या 2 × 4 × 100, बराबर ना, करेक्ट, क्यों किया मैंने, क्यों किया, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो बाहर क्या आ गया 20, मतलब 400 का रूट 20, और अंदर क्या है, तो क्या आ गया 20√2, 20√2, मतलब कम से कम ऑप्शन नंबर ए सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी और डी आएगा। डू यू नो, ऑफ कोर्स यू शुड नो, नॉर्थ का वेस्ट इज नॉर्थ वेस्ट, तो डायरेक्शन क्या है नॉर्थ वेस्ट, और मैग्नीट्यूड क्या है 20√2, ऑप्शन नंबर बी 20√2 नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, यहां ध्यान दो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसको बहुत सिंपल बनाने वाले हैं, तो जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड है सॉल्व करने का वो लेंदी है, 8-10 स्टेप में होगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझा है तो इट इज अ क्वेश्चन विच कैन बी सॉल्व इन 0 स्टेप्स, क्वेश्चन देखो आंसर टिक करो खत्म। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम किलोग्राम विथ स्पीड ऑफ वी मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वॉल एट एन एंगल थीटा एंड रिबाउंड्स, रिबाउंड मतलब बाउंस होके वापस जाना, रिबाउंड एट द सेम स्पीड, मतलब जितना इनकमिंग स्पीड था उतना ही आउटगोइंग स्पीड है, फिर आप बोलोगे यहाँ पे V1 बार और V2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ,
वेक्टर के पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन हुआ चेंज। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक लेट अस से अ बॉल। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ये आया बाउंस हुआ और गया। तो आया कौन से डायरेक्शन में? इट इज दिस डायरेक्शन, राइट। बाउंस होके गया यहाँ पे। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है, स्पीड नहीं, राइट, करेक्ट। अब आपको पूछा है व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू रिमेम्बर व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो मैंने अभी बताया चेंज के लिए क्या यूज करते हो, किसमें चेंज? मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं टी से, और उस पे वेक्टर हमेशा आएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अब बॉल का जो मास था वो बाउंस होने के बाद भी वही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा। होता है कि ऐसा रबर बॉल फेंकते हो, ऐसा होता है कि 10 ग्राम का था वापस आया 6 ग्राम हो गया? नहीं, अनलेस अनलेस इट इज ऑफ क्ले, क्योंकि क्ले थोड़ा बहुत चिपक जाएगा, हो सकता है पूरा चिपक जाए वापस नहीं आए, हो सकता है। गुड, देन यू शुड नो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास इज एम, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है? वी टू। तो वी टू बार माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी मतलब वी वन बार। मास को कॉमन निकाल लो, मतलब अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगली बार से याद रखना, चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो वी टू बार माइनस वी वन बार मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। याद रख, क्लियर क्लियर। अब एक चेंज कैसे फाइंड करते हो, चेंज कैसे फाइंड करोगे? लुक, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा। रिमेम्बर रिमेम्बर, ये डायरेक्शन आपको पता है, चार क्वाड्रेंट्स पता है? यस गुड, यू नो दिस फोर क्वाड्रेंट्स, गुड। जो इनकमिंग वेलोसिटी था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन इट इज पॉइंटिंग फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब, इसके जब मैं कंपोनेंट करूंगा, एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे और एक कंपोनेंट आएगा यहाँ, बिकॉज लुक एट द एरो, एरो इज पॉइंटिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपका वी वन का एक्स कंपोनेंट। बट रिमेम्बर रिमेम्बर, स्पीड तो सेम ही था ना, था कि नहीं सेम? तो मैं क्या लिखूंगा इसको, क्या लिखूंगा मैं? वी आई कैप। तो एक्स कंपोनेंट क्या है? वी आई कैप। ये कहाँ पॉइंट कर रहा है? नीचे मतलब, नहीं नीचे मतलब जे कैप की माइनस जे कैप। तो व्हाट विल बी वी वाई? माइनस वी जे कैप, माइनस वी जे कैप, करेक्ट। बाउंस होके यहां पे गया और इसका एरो यहां है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कौन है? पॉजिटिव है, वेरी गुड। तो एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, करेक्ट। यहां तक क्लियर, गुड। तो ये मैं आपको पूरा मेथड बता रहा हूँ, फिर बाद में ट्रिक बताना है, इसलिए पहले ये समझो। ये कौन है? वाई कंपोनेंट की एक्स कंपोनेंट, किसका एक्स कंपोनेंट? फाइनल वेलोसिटी का, राइट, करेक्ट। ये किसका था? मतलब वन का था। ये किसका है? टू का है। टू का क्या है? एक्स कंपोनेंट, बोला है ना, टू वी टू। ये क्या आएगा? वी आई कैप, क्योंकि स्पीड तो चेंज हुआ नहीं। ये क्या है? वी वाई, किसका? टू का। तो ये क्या आएगा? वी जे कैप,
बराबर करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझा? यस नो यस। अब जो पहला वेक्टर था v1 बार, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हो आप? एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, या फिर आप लिखते हो सीधा सीधा वी एक्स बार ऑफ वन प्लस वी वाई बार ऑफ वन। बराबर, व्हाट इज वी एक्स बार ऑफ वन, व्हाट इज वी वाई बार ऑफ वन? माइनस वी जे कैप, ये आ गया v1 बार। व्हाट इज वी टू बार? वी एक्स बार ऑफ टू प्लस वी वाई बार ऑफ टू। व्हाट इज वी एक्स? वी आई कैप। व्हाट इज वी वाई? प्लस वी जे कैप, राइट। तो आपको v1 बार मिल गया, आपको v2 बार मिल गया। क्या चाहिए था? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या था? चेंज इन मोमेंटम क्या था? एम इंटू v2 बार माइनस v1 बार। व्हाट इज v2 बार? वी आई कैप प्लस वी जे कैप माइनस, व्हाट इज v1 बार? वी आई कैप माइनस। बराबर, गुड, यहाँ तक क्लियर? यस। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो वी आई कैप प्लस वी जे कैप माइनस वी आई कैप माइनस माइनस प्लस वी जे कैप, कैंसल एंड कैंसल, तो 2 बार आ गए। करेक्ट, क्या आ गया? 2mv j कैप। यहाँ तक क्लियर? अब आंसर तो दिया है इन टर्म्स ऑफ एंगल, एंगल है इन टर्म्स ऑफ, है क्या आंसर? आई कैन सी आंसर, डू यू सी आंसर? यस 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 नो यस। 2mv, 2mv है आंसर। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा कि ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा, क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन ए। कैसे ए? कहाँ गलती हुई? नो वेट, दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग कि छोटी से छोटी चीज पे ध्यान देना। ये एंगल क्या था? थीटा था ना, था क्या थीटा? यस। तो ये एंगल क्या आएगा? थीटा आएगा। तो ये जो कंपोनेंट है इसको वी लिखोगे कि वी कॉस थीटा लिखोगे? वी कॉस थीटा। ये वी कंपोनेंट वी आई कैप के साथ वी कॉस थीटा लिखोगे कि वी साइन थीटा लिखोगे? साइन थीटा, राइट करेक्ट। तो जब तक एंगल पे ध्यान नहीं है तब आंसर गलत ही आएगा आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम इज ओके, बट ये एंगल पे ध्यान होना चाहिए। तो चेंज क्या होगा? छोटा छोटा चेंज है, बाकी सब करेक्ट है, बाकी पूरा मेथड करेक्ट है। ओनली थिंग दैट यू विल हैव टू चेंज हियर इज, अब ट्रिक यहीं से आता है, तो ट्रिक यहीं से बनता है, दैट इज व्हाई यू नीड टू पे अटेंशन हियर। ये था आपका इनिशियल वेलोसिटी। पहले मैं इनिशियल सॉल्व कर लेता हूँ। ये एंगल कितना है? थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पॉइंट कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव। वेरी गुड। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। क्यों? अल्टरनेट एंगल, राइट, थीटा एंड थीटा। तो जो वाई कंपोनेंट है ये वेलोसिटी कितना है? वी। तो वी का ये कंपोनेंट एंगल को लग के कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस की साइन, कॉस। तो ये कौन सा आएगा? वी कॉस थीटा। ये क्या आएगा? वी साइन थीटा। लेकिन ये कहाँ पॉइंट कर रहा है? आई कैप। ये कहाँ पॉइंट कर रहा है? ये क्या है? वी एक्स। किसका वी एक्स? पहले का, पहले का वी वन का। तो ये किसका वी एक्स है? ये वन का है, करेक्ट। देन ये वी वाई है। किसका वी वाई है? ये वन का है, राइट। सिमिलरली बाउंस होने के बाद, बाउंस होने के बाद रिमेम्बर दो कंपोनेंट आएंगे, राइट। ये स्पीड कितना है? अभी भी वी है, स्पीड अभी भी वी है, लेकिन वेक्टर ये था वी वन, ये वेक्टर था वी टू। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि बोला ही है, डायग्राम में भी दिया है।
थीटा राइट दिया है। देन अगर ये थीटा है तो ये क्या है, क्यू क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा थीटा। एक सेम लाइन को अगर दो पैरेलल लाइंस कट करते हैं तो एंगल बनता है सेम। अगर ये थीटा है तो एडजेसेंट साइड कौन हुआ, कौन हुआ, कॉस। तो ये क्या आएगा, कॉस वी कॉस। लेकिन पॉइंट कहाँ कर रहा है, प्लस जे कैप। तो ये क्या है, वी वाई। किसका वी वाई है, टू का। ये कौन है, ये कॉस है तो ये कौन है, ये है वी साइन। कहाँ पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये है एक्स कंपोनेंट। किसका एक्स कंपोनेंट, किसका, वी वी टू, वी टू का एक्स कंपोनेंट है ये। तो ये वी एक्स टू है राइट। बाकी सारा प्रोसेस सेम, बाकी सब कुछ सेम। तो ये याद रखना, दिस इज ऑल सेम। तो अब पहले मुझे बताओ वी वन वेक्टर क्या बनेगा। वी वन वेक्टर बनेगा वी वन वी एक्स वन एंड वी वाई वन। व्हाट इज वी एक्स वन, लुक क्विक, बस वी साइन थीटा। व्हाट इज वी वाई वन, माइनस वी कॉस थीटा जे कैप। ये आ गया वी वन। व्हाट विल बी वी टू, वी टू वी एक्स टू प्लस वी वाई टू। व्हाट इज वी एक्स टू, वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप राइट। तो फिर वी टू माइनस वी वन कितना आया, वी टू इज वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप माइनस 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 वी साइन थीटा आई कैप माइनस माइनस प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। ये हो गया कैंसल, ये आ गया टू वी कॉस थीटा। टू वी कॉस थीटा कितना, जे कैप। ये आ गया आपका वी टू बार माइनस वी वन बार। तो व्हाट इज डेल्टा पी एम इंटू वी टू बार माइनस वी वन बार एम इंटू टू वी कॉस थीटा जे कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड मतलब क्या आएगा, टू एम वी कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट टू एम वी कॉस थीटा। अब बताओ आंसर क्या आएगा, राइट राइट। वेट, मेरा इंटेंशन गलती करके रेक्टिफाई करने का ये नहीं था कि तुमको पूरा मेथड करना है। हाँ, समझने के लिए पहला स्टेप यस फुल मेथड, बट रिमेम्बर जेई नीड एग्जाम एक क्वेश्चन के लिए एवरेज हमारे पास 2 मिनट भी नहीं होता है। इतना करने जाओगे तो इट विल टेक 5 मिनट्स मिनिमम। लुक, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डेल्टा चेंज। तो मैंने अभी बताया डेल्टा पी इज एम डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। लुक एट द कंपोनेंट्स। अभी कोई ऐसा है जिसको मैं 10 बार बोलता हूँ फिर भी वही चल रहा है, तो उसमें चेंज हुआ क्या, जिसमें चेंज नहीं, उसमें चेंज नहीं है। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट था वी साइन थीटा, कहाँ पॉइंट कर रहा है, आई कैप। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट है वी साइन थीटा, कहाँ पॉइंट कर रहा है, आई कैप। कुछ चेंज है, हाँ तो चेंज नहीं है, तो वो चेंज नहीं है। जिसमें चेंज नहीं उसमें चेंज कितना, जीरो। तो एक्स कंपोनेंट में चेंज कितना, तो साइन थीटा दिखेगा नहीं आंसर में, साइन थीटा आएगा नहीं। यहाँ पे ये कौन था, माइनस वी कॉस थीटा जे कैप। वहां पे वो कौन है, तो पहले नीचे पॉइंट कर रहा था अब ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो टोटल चेंज कितना है, डबल है। डबल क्यों, क्योंकि डायरेक्शन जब रिवर्स हो जाए, डायरेक्शन जब एग्जैक्टली उल्टा हो जाए तो चेंज कितना होता है, 2 टाइम्स राइट। करके देखो, आई टेल यू हाउ सिंपल। एक सिंपल एग्जाम्पल है, लेट अस से मेरे पास एक वेक्टर है जो है माइनस आई कैप और एक वेक्टर है जो है प्लस आई कैप। तो चेंज कैसे लिखते हो, चेंज लिखते हो फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है, आई कैप।
माइनस इनिशियल वैल्यू, माइनस इनिशियल कितना था, माइनस आई कैप, तो कितना आया आई कैप प्लस, तो कितना आया, तो चेंज कितना है डबल। तो जब एक वेक्टर डायरेक्टली रिवर्स हो जाए, डायरेक्शन 180 डायरेक्टली रिवर्स, तो चेंज कितना टू। लुक लुक हाउ कैन यू फाइंड शॉर्टकट्स, पहले तो आपने कंपोनेंट ड्रॉ कर लिए, फिर समझ में आया कि एक्स कंपोनेंट में तो चेंज हुआ ही नहीं, हुआ किसमें चेंज, किसमें चेंज, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या था सेम था, इधर वी कॉस थीटा उधर भी वी कॉस थीटा, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो गया उल्टा, तो वेलोसिटी का चेंज क्या होगा टू वी कॉस थीटा। हमको वेलोसिटी का चेंज चाहिए कि मोमेंटम का, व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू, तो एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू एम वी कॉस थीटा हो गया सॉल्व, ये कुछ नहीं करना था। अब अगर ये वॉल को ऐसा वर्टिकल दिखाया होता हो सकता था ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल नीचे टप्पर डालो या ऊपर वॉल पे मारो, वर्टिकल पे या फिर हॉरिजॉन्टल पे, तो उस केस में अगर ऐसा बोला होता, सपोज ये बॉल जो भी ऑब्जेक्ट था ये आपके पास ऐसा आया, रिबाउंड हुआ वापस चला गया, डिपेंडिंग ऑन, ये छोटा सा एक चीज है जिस पे ध्यान देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन थीटा बोला किसको है, थीटा इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, तो वो ध्यान देना सिर्फ, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब यहाँ पे ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन सा है, तो कंपोनेंट्स क्या आएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक्स विल बी पॉजिटिव वाई विल बी नेगेटिव, करेक्ट राइट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक्स विल बी नेगेटिव वाई विल बी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस, ओके। तो अब इस केस में कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, कौन सा चेंज नहीं हुआ, डायग्राम पे देखो, डायग्राम में वाई वाई पहले भी नीचे था अभी भी नीचे है, चेंज नहीं हुआ, कौन सा चेंज नहीं हुआ, ये थीटा है तो ये कितना है, तो ये क्या आएगा वी कॉस थीटा, ये क्या आएगा वी साइन थीटा, ये क्या आएगा वी साइन थीटा, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा वी कॉस थीटा आई कैप, ये आ जाएगा माइनस वाई कॉस थीटा आई कैप, ये आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा जे कैप, ये आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा जे कैप। अब जिसमें चेंज नहीं हुआ उसमें चेंज नहीं हुआ, तो जिसमें चेंज हुआ ही नहीं वो आंसर में आएगा क्या, नहीं आएगा, कौन चेंज हुआ, वी कॉस थीटा पहले कहाँ था, ईस्ट में, अब कहाँ है, तो टोटल चेंज कितना है वी कॉस थीटा, ये चेंज इन वेलोसिटी, आपको चाहिए मोमेंटम, तो क्या करोगे, मतलब वॉल वर्टिकल हो या वॉल हॉरिजॉन्टल हो आंसर आएगा सेम सेम, लेकिन एक कंडीशन है, ये एंगल, द मोमेंट आई चेंज द एंगल, जैसे ही लुक, जैसे ही मैंने सिर्फ एंगल चेंज कर दिया, मैं इसको थीटा बोलने की जगह पे मैं एक काम कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस थीटा आई कैन मेक दिस एज थीटा, इसको थीटा बना दिया, तो ये थीटा बन गया, करेक्ट। अब ये थीटा बनने का मतलब ये होता है, ये आ गया वी कॉस थीटा, ये आ गया वी साइन थीटा, ये है आपके पास वी साइन थीटा, ये है वी कॉस थीटा। अब चेंज किस में नहीं है, कॉस में, और किस में चेंज है, तो आंसर में क्या आएगा, करेक्ट राइट। तो इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको, हर बार हम ऐसा सॉल्व नहीं करते बैठेंगे, फिर सॉल्व करो, फिर गलती ढूंढो कहाँ गलत हो गया, ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई भी एक आ सकता है, मैंने पहले पूछा तो बोला टू एम बी, कंपोनेंट्स ये नहीं थे, कंपोनेंट्स करो राइट, यहाँ तक क्लियर राइट।
तो अगली बार से ये डायग्राम देखा था, जैसे द मोमेंट यू लुक एट दिस डायग्राम व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज, और साइंस में अच्छा करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इसको ऐसा देखना नहीं, इसको कैसा देखना, इसको देखने की आदत बदलो। यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट लाइक दिस। ओ ऐसा है, ओके ये थीटा है तो ये थीटा है, ये थीटा है तो ये कॉस है, वो साइन है। तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस। तो जब तक वैसा सोचोगे नहीं तब तक ट्रिक्स नहीं आएंगे, आंसर्स यू विल नॉट गेट फास्ट। ओके सो दैट्स इट।